नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर में पोस्ट कोड 556 के JOA पदों की रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा से की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है, पहले भी उनका मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया था तथा अब बजट सत्र में दोबारा मामला सरकार के समक्ष रखकर मुख्यमंत्री को उनका वादा याद दिलाएंगे, कहा विधायक राजेंद्र राणा ने। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरिट में रहने वाले मेधावी छात्रों को बांटे गए लैपटॉप। हमीरपुर उपनिदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हमीरपुर जिला में 897 लैपटॉप पूरे जिला भर के मेधावी छात्रों को किए वितरित। हमीरपुर के बाद स्कूल खेल मैदान में पिछले कई महीनों से गायब तिरंगा को दोबारा लगाने के लिए NSUI हमीरपुर इकाई ने कसली कमर। NSUI के बैठक में पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने भी तिरंगा के गायब होने पर की चिंता जाहिर। श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है ज्योली देवी माता का मंदिर। 6000 वर्ष पूर्व पांडवों ने किया था एक रात में मंदिर का निर्माण। मंदिर प्रांगण में आज भी मौजूद है पांडवों द्वारा निर्मित बेलन। मंदिर में मौजूद शिवलिंग कुंड में पानी डालकर लगाया जाता है बारिश होने या ना होने का पता। हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु नहाते हैं मंदिर में शीश।